वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट्स। प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट्स, सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखेंगे कि किस प्रिंसिपल पे सारे इक्विपमेंट्स और प्रीमाइसेस बेस्ड होते हैं। तो प्रिंसिपल है बिल्डिंग्स should be located, designed, constructed, adopted and maintained to suit the operations carried out in them. कुछ buildings जो बनती हैं वो इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से उनकी location होनी चाहिए कि जो भी procedure आप उन buildings में करने जा रहे हैं उनके लिए वो suitable हों। एंड टू फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स वहाँ पे यूज़ होंगी, जो प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म्ड होंगे बनेंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए भी वो बिल्डिंग्स अच्छे से रेडी होनी चाहिए फ्रॉम कंटेमिनेशन और डिटेरियोरेशन, ताकि जो मटेरियल्स वहाँ पे उपलब्ध हैं, जिन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है उनमें कोई कंटेमिनेशन या कोई भी डिटेरियोरेशन ना हो पाए। Equipment should be designed, constructed, adopted, located and maintained to suit the process and product. जो भी process हो रही है, जो भी product बन रहा है, for which it is used and to facilitate protection of the materials handled from contamination or deterioration. इस तरीके के equipments होने चाहिए जिन चीज़ों का use हो रहा है product को बनाने के लिए, वो इक्विपमेंट्स इस तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि जो प्रोसेस हो रही है प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके प्रोटेक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हों, और जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उस प्रोडक्ट की हैंडलिंग में, उस मटेरियल की हैंडलिंग में वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें, एज वेल एज कंटेमिनेशन और डिटेरियोरेशन से भी बचाने में हेल्प करें। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट बीइंग हैंडल्ड, कौन सा प्रोडक्ट हैंडल किया जा रहा है इसके अनुसार रेफरेंस शुड बी मेड टू द डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट। जिस तरीके का प्रोडक्ट हैंडल किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स बनानी चाहिए प्रीमाइसेस और इक्विपमेंट्स की, और इसके लिए दिया गया है इन EU रेगुलेशन EC नंबर 852/2004 ऑन दी हाइजीन ऑफ फूड स्टफ एंड EU रेगुलेशन EC नंबर 853/2004 लेइंग डाउन स्पेसिफिक हाइजीन रूल्स फॉर फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। दो रेगुलेशन, दो एक्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको, जिनमें कि पहला जो है उसमें फूड स्टफ की सेफ्टी और हाइजीन पे जोर दिया गया है, जबकि जो दूसरा है उसमें स्पेसिफिक हाइजीन रूल्स मेंशन किए गए हैं फॉर फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, जो एनिमल से मिलने वाले फूड्स हैं उनके लिए कैसे कैसे हाइजीन रूल्स हो सकते हैं, उन चीज़ों को मेंशन किया गया है। The procedural controls must be validated and then consideration should be given to the monitoring and management arrangements. जो procedural control है उसको properly validate किया जाना चाहिए और consideration है वो दिया जाना चाहिए उसकी monitoring और management के जो arrangements हैं वहाँ पे required to ensure proper implementation of these procedures. जो प्रोसीजर्स को अप्लाई किया जा रहा है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए उनकी मॉनिटरिंग और उनके मैनेजमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं प्रोसेसेस, जो अरेंजमेंट रिक्वायर होते हैं, उन सबको कंसीडर करके प्रोसीजरल कंट्रोल को वैलिडेट करना चाहिए। अब आता है प्रीमाइसेस क्या होते हैं। प्रीमाइसेस should be cited with due regard for the provision of services needed and to avoid contamination from adjacent activities. Premises होने चाहिए ताकि
जो सर्विसेज की ज़रूरत है, जो अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके साथ में ही एक अगली भी एक्टिविटी चल रही है, तो उस दूसरी एक्टिविटी से पहले वाले में कंटेमिनेशन ना पहुँचे, कोई भी डिटेरियोरेशन ना पहुँचे, कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पहुँचे, इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखा जाना चाहिए। The grounds surrounding the buildings should be maintained to minimize potential harbors for pests that could be afforded by old pallets, packaging, waste, equipment and machinery or vegetation that is growing up the external walls of the buildings. जो ग्राउंड है, जो भी बिल्डिंग में आपकी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज चल रही हैं, उसको जिस ग्राउंड ने सराउंड कर रखा है, उसके चारों तरफ जो एरिया है उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि मिनिमम वहाँ पे पेस्ट हों। पेस्ट क्या होते हैं? जो इंसेक्ट्स होते हैं हार्मफुल, जो डिग्रेडेशन कर सकते हैं, उन सभी का बहुत मिनिमाइज करके कंसंट्रेशन रखना चाहिए वहाँ पे, ताकि कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट कंट्रोल या पेस्ट प्रिवेंशन के मेथड्स को अप्लाई करना चाहिए उस एरिया में। और इसके साथ में ही जो वहाँ पे वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ऐसे ही जो ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर ग्राउंड की जो वॉल है उस पे, या फिर बिल्डिंग्स की वॉल है उन पे, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी वेजिटेशन ग्रो कर रही है, कैसे हार्मफुल है, कैसे यूज़फुल है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। Consideration should be given to adequate drainage in the yard and minimizing pools of water, wastewater through which vehicle may pass and then enter food manufacturing areas. जो water drainage की facility होती है, जो waste water को निकालना है, उसकी proper arrangement होनी चाहिए, adequate drainage system होना चाहिए। और इसके साथ में जो ground है जहाँ पे waste water निकल रहा है, तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई जब वाहन आ रहे हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उनके थ्रू वो उसी वेस्ट वाटर से होके आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एरिया तक। तो क्या होगा कि जो वेस्ट वाटर में इम्प्योरिटी है, जो माइक्रोब्स हैं, वो व्हीकल्स के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुँच जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग एरिया तक पहुँच जाएंगे, और ये चीज़ें हानिकारक हो सकती हैं, क्योंकि अगर पैथोजेनिक माइक्रोब्स उस यूनिट में पहुंच गए तो फिर फ़ायदा ही नहीं बनता है किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का या फिर किसी फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। द पोटेंशियल फॉर फ्लडिंग शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। फ्लडिंग के केस को भी कंसिडर करके रखना चाहिए, स्पेशली विद रिगार्ड टू सडन स्टॉर्म इवेंट। कोई भी अचानक से तूफान आता है या कोई फ्लडिंग होती है, बाढ़ की कंडीशन होती है, तो इन सब खतरों से भी उबरने के लिए पहले से ही इंतज़ाम सब करके रखने चाहिए। बिल्डिंग इंटीग्रिटी शुड इंश्योर दैट देयर इज नो एक्सेस पॉइंट फॉर पेस्ट टू गेन एंट्री और अलाउ इनग्रेस ऑफ वाटर थ्रू सीपेज और पुअरली डिजाइंड गटरिंग। अगर कोई इस तरीके से गटर बना दिया गया कि बहुत पुअरली डिजाइंड है, इजिली वहाँ से माइक्रोब्स या कोई चीज़ें हैं आ जाती हैं, तब तो फिर उसको बनाने का कोई भी मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए बिल्डिंग की इंटीग्रिटी को इंश्योर करके रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा पॉइंट ना बने वहाँ पे, या गटर का कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जहाँ से कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से आ सके, गटर से आ सके, या फिर पेस्ट जो है, पैथोजेनिक इंसेक्ट हैं, वो एंट्री ले सकें, ताकि कोई भी प्रोडक्ट है, मटेरियल है, उसको डिग्रेड कर पाएँ या कंटेमिनेट कर पाएँ। प्रोटोकॉल्स फॉर लोन वॉकिंग शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड नॉट ओनली विद रिगार्ड टू हेल्थ एंड सेफ्टी बट ऑल्सो विद रिगार्ड टू प्रोडक्ट इंटीग्रिटी एंड द पोटेंशियल फॉर मैलिशियस टेम्परिंग और सबोटेज। कोई भी टेम्परिंग कर रहा है आपके प्रोडक्ट का, मिसयूज़ कर रहा है, तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स पहले से ही बनाने चाहिए। इवन जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो वर्किंग पर्सनल्स हैं, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स भी पहले से ही होने चाहिए।
premises must be constructed and maintained with the object of protecting against the entrance. Premises इस तरीके से बनाना चाहिए कि जो protection है, जो protecting object है, वो entrance के अगली जगह पे होना चाहिए. And harboring of vermin, birds, pests and pets. जो भी birds हैं, pests हैं, इन सबको वो रोक के वहाँ पे रखने चाहिए. Premises should be maintained in a good state of repair. Repairing की अच्छे state में होने चाहिए premises. As well as the condition of buildings should be reviewed regularly and repairs affected where necessary. जो conditions है building की, उनको एक continuous interval पर review किया जाना चाहिए. Review करने से क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ में कोई खामी रह गई है या कोई changes करने हैं, तो वो easily, अगर आप बार बार उनको review करेंगे तो उनको easily हटाया जा सकता है. कोई भी अगर harmful चीज़ है उसको prevent किया जा सकता है. और जहाँ कहीं भी ज़रूरी है रिपेयरिंग, वहाँ पे रिपेयरिंग भी आप रिव्यू के थ्रू कर सकते हैं. देयर शुड बी सफिशियंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू एट द एक्टिविटीज बीइंग अंडरटेकन इन द लोकेशन. प्रॉपर लाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उन सभी को प्रॉपरली उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट इंस्पेक्ट और क्लीनिंग, कि जैसे कि क्लीनिंग का प्रोसेस होना है, प्रोडक्ट की चेकिंग करनी है, इंस्पेक्शन करना है, तो अगर नाइट का टाइम है या फिर कोई ऐसा एरिया है जहाँ दिन में भी कम लाइट पहुँचती है, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो जाएगी. इसीलिए लाइट की भी इंटेंसिटी को प्रॉपर होना चाहिए उस जगह पे. अगला आता है वर्किंग कंडीशंस. एग्जाम्पल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइज लेवल शुड बी सच दैट देयर इज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट. जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइज, ये सारी चीज़ें हैं, इनको इस तरीके से होना चाहिए कि इनका कोई भी बैड इफेक्ट प्रोडक्ट पे ना पड़े, प्रोडक्ट इनसे अफेक्टेड ना हो, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया द ऑपरेटर. या तो ये डायरेक्टली कोई फ़र्क डाल सकते हैं या जो ऑपरेटर है ये उसके थ्रू इफेक्ट डाल सकते हैं. और इंडीड इफेक्ट्स ऑन द स्टाफ देमसेल्फ. जो स्टाफ है वो स्टाफ पे भी तो गलत प्रभाव डाल सकते हैं. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइज़ है, ये सारे पॉल्यूशन का ही एक पार्ट होते हैं. और ये जो स्टाफ वहाँ पे इन्वॉल्व है, ये उसको भी, उसके भी स्वास्थ्य पे भी गलत प्रभाव डाल सकते हैं. अगला पॉइंट है एयर सप्लाई एंड एक्सट्रैक्शन ट्रंकिंग्स शुड नॉट इंट्रोड्यूस कंटेमिनेंट इन टू प्रोडक्ट. जो एयर सप्लाई है, जो एक्सट्रैक्शन ट्रंकिंग है, उसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं आना चाहिए प्रोडक्ट में. अगला पॉइंट है फ्लोर एंड वॉल सर्फेसेस. जो फर्श है, जो दीवारें हैं, एंड ऑल सर्फेसेस, जितनी भी सर्फेसेस हैं बिल्डिंग में, इंक्लूडिंग सर्फेस ऑफ इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी भी सरफेस को इंक्लूडेड करते हुए, इन कॉन्टेक्ट विद फूड मस्ट बी मेंटेन्ड इन अ साउंड कंडीशन. सारी सरफेसेस एकदम क्लीन एंड साउंड होनी चाहिए एंड बी इजी टू क्लीन. ऐसी होनी चाहिए कि इजीली उनको क्लीन किया जा सके. व्हेन नेसेसरी डिसइनफेक्ट, और जब भी ज़रूरत पड़े उनको इजीली डिसइनफेक्ट किया जा सके. All operations should be carried out on the manufacturing site in such a way that risk of contamination of one product or material by another is minimized. जो भी processes हो रही हैं, जो भी operations हो रहे हैं manufacturing site पे, वो इस तरीके से होने चाहिए कि अगर दो product एक साथ में बन रहे हैं या दो processes एक साथ में चल रही हैं, तो वो दोनों ही एक दूसरे को contaminate ना कर पाएँ. इसका जो रिस्क है एक दूसरे को कंटेमिनेट करने का, उसको मिनिमाइज करके रखा जाना चाहिए. इवन कोशिश की जानी चाहिए कि उस रिस्क को अगर प्रिवेंट कर दिया जाए. अगला पॉइंट है देयर शुड बी डॉक्यूमेंटेड क्लीनिंग प्रोसीजर्स. क्लीनिंग प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए
एक प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर्मेट में होने चाहिए एंड क्लीनिंग शेड्यूल फॉर एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज एरियाज। जो एक्सटर्नल क्लीनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की क्लीनिंग है, स्टोरेज एरियाज हैं उनकी भी क्लीनिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, प्रॉपर लिस्टेड होनी चाहिए। वैक्यूम और वेट क्लीनिंग मेथड्स आर टू बी प्रेफर्ड। वैक्यूम क्लीनिंग मेथड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट होता है, धूल कहीं उड़नी नहीं है, डायरेक्टली क्लीनिंग हो जाती है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद फूड शुड बी इनर्ट। जो सरफेसेस हैं फूड के कॉन्टैक्ट में वो इनर्ट होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होनी चाहिए टू दी फूड, ताकि फूड में कोई भी कंटेमिनेशन ना हो पाए। अंडर द कंडीशंस ऑफ यूज एंड शुड नॉट यील्ड सब्सटेंसेस दैट माइट माइग्रेट और बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द फूड। और इस तरीके की कोई भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए या कोई भी ऐसा यूज नहीं होना चाहिए ताकि ऐसे सब्सटेंसेस बने जो कि माइग्रेट हो जाएं या फिर एब्जॉर्ब्ड हो जाएं फूड में, क्योंकि ये रिस्क पैदा कर सकते हैं फॉर द हेल्थ, फॉर द वर्कर्स, पर्सनल्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एरिया। द लिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ मटेरियल्स एंड आर्टिकल्स इन्वॉल्व इंक्लूड नॉट ओनली फूड ग्रेड मटेरियल यूज्ड इन इक्विपमेंट डिजाइन बट द फॉलोइंग 17 मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग एड्स। जो मटेरियल्स होते हैं, जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनमें सिर्फ फूड वाले मटेरियल्स ही नहीं होते हैं कि जिन फूड की ज़रूरत है, जो बनाया जा रहा है उससे रिलेटेड मटेरियल है और जो इक्विपमेंट है उसके लिए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, और उनमें से 17 मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग एड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देखते हैं। सबसे पहला है एक्टिव एंड इंटेलिजेंट मटेरियल्स एंड आर्टिकल्स, दूसरा है एडहेसिव्स, तीसरा है सिरेमिक्स, फोर्थ है कॉर्क, फिफ्थ है रबर्स, सिक्स है ग्लास, सेवन है आयरन एक्सचेंज रेजिंस, एट है मेटल्स एंड अलॉयस, नाइन्थ है पेपर एंड बोर्ड्स, टेंथ इज प्लास्टिक्स, एलेवेंथ इज प्रिंटिंग इंक, ट्वेल्व इज रीजेनरेटेड सेल्यूलोस, थर्टींथ इज सिलिकॉन्स, फोर्टींथ इज टेक्सटाइल्स, 15th is varnishes and coatings, 16th is waxes and 17th is wood। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी की ज़रूरत होती है इक्विपमेंट और फूड ग्रेड मटेरियल्स के अलावा। तो अब चलिए देखते हैं इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए। ऑल इक्विपमेंट शुड बी परचेस्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उसी तरीके के इक्विपमेंट्स को परचेस करना चाहिए। इट शुड बी सुटेबली टेस्टेड एंड कमीशन्ड बिफोर द लाइन इज अप्रूव्ड फॉर फुल स्केल प्रोडक्शन। इनको प्रॉपरली फुल स्केल प्रोडक्शन से ही पहले टेस्ट कर लिया जाना चाहिए, ताकि टेस्टिंग में अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो उसको वहीं पर रिपेयर किया जा सके या रिमूव किया जा सके, ताकि जो मेन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कोई भी डिफेक्ट ना आए। Equipment should be so arranged as to protect the contents from external contamination। Equipment को इस तरीके से arrange किया जाना चाहिए ताकि बाहर से कोई भी contamination ना आए, and should not endanger any material or product through contamination from leaking glands, condensate, lubricant drips and the like, or through inappropriate modifications or adaptations। इस तरीके से इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए कि किसी तरीके के प्रोडक्ट का खतरा हो जाए कंटेमिनेशन का, किसी लीकिंग की वजह से, कोई लुब्रिकेंट अगर ड्रिप हो रहा है तो इन सारी वजह से जो भी कंटेमिनेशन है उस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस। द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग वॉल्स, फ्लोर्स, सीलिंग एंड डोर्स should be maintained in a sound condition। जो building की walls हैं, floors हैं, इन सभी को safe and sound condition में होना चाहिए। Plant and equipment should be checked for cleanliness and integrity before every use। जो manufacturing plant है
और जो जो इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ किए जा रहे हैं उन सभी की इंटीग्रिटी को, उनकी साफ़ सफाई को पहले ही चेक कर लेना चाहिए जबकि आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। टू दिस एंड शुड बी डिज़ाइंड विथ साउंड सिक्योर क्विक रिलीज सिस्टम्स फॉर इंस्पेक्शन एंड डिसअसेंबली। अ डॉक्यूमेंटेड मेंटेनेंस प्रोसीजर शुड बी डिवेलप्ड दैट एड्रेसेस बोथ प्रिवेंटिव एंड रिस्पॉन्सिव मेंटेनेंस। डॉक्यूमेंटेड मेंटेनेंस प्रोसीजर्स होने चाहिए ताकि जो एक्शंस लेने हैं, किस तरीके से कोई भी रिस्क अगर होता है तो प्रिवेंट करना है, कैसे उसको मिनिमाइज करना है, किस तरीके से रिपेयरिंग होनी है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये सारी चीज़ें उसमें प्रॉपरली रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब आता है ब्रिटल मटेरियल प्रोसीजर्स। ब्रिटल मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो कि इजिली ब्रेक हो जाए, जैसे कि कांच, ग्लास। वेर एवर पॉसिबल द यूज ऑफ ग्लास शुड बी अवॉइडेड एंड सुटेबल अल्टरनेटिव सॉर्ट। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो ग्लास के यूज़ को अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके जगह पे कोई भी अल्टरनेटिव आप खोज सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लास के यूज़ को अवॉइड किया जाना चाहिए क्योंकि ये इजिली ब्रोकेबल मटेरियल है। देर आर थ्री डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ग्लास। ग्लास कहाँ कहाँ से आ सकता है? ग्लास पैकेजिंग की हो सकता है, किसी चीज़ की पैकेजिंग हो ग्लास में, फिक्सचर एंड फिटिंग सच एज ग्लास विंडो, लाइट बल्ब एंड डायल्स, एंड इम्पोर्टेड ग्लास सच एज स्पेक्टल्स, वॉचेस एंड ड्रिंक बॉटल्स। देखिएगा कितनी तरीके से ग्लास पहुँच सकता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। जो लाइट के बल्ब्स होते हैं, डायल्स होते हैं, और जो चश्मे हैं, घड़ी है, ड्रिंकिंग बॉटल्स हैं, इन सारी जगहों पे आपको ग्लास मिल सकता है। और यहाँ से ये आके ब्रिटल मटेरियल होता है तो कभी बाई चांस कुछ ऐसा हुआ, टूट फूट हुई, तो ये कंटेमिनेशन को भी कॉज कर सकता है। अ रिस्क असेसमेंट शुड बी अंडरटेकन टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ ऑल आइटम्स, वेदर ईच शिफ्ट डेली और वीकली और अदर प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल्स। एक प्रॉपर इंटरवल पे रिस्क असेसमेंट लेना चाहिए, जैसे कि अगर डेली बेसिस पे हो जाए तो डेली, नहीं तो वीकली, या फिर कोई भी, जैसे कि एक महीने पे, दो महीने पे, छः महीने पे, किस तरीके से रिस्क का असेसमेंट करना है, लेकिन करना ज़रूर चाहिए ताकि जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी डेंजर की, किसी भी हार्म की, उसको कम कर दिया जाए। आइटम्स शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड एंड द रिजल्ट्स ऑफ द इंस्पेक्शन रिकॉर्डेड। प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे, और हर इंस्पेक्शन के बाद में चीज़ों को, रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए विद एनी रिक्वायर्ड करेक्टिव एक्शन। और अगर कोई करेक्टिव एक्शन वहाँ पे रिक्वायर्ड है तो उस चीज़ को भी मेंशन करना चाहिए। दिस करेक्टिव एक्शन मस्ट बी फॉलोड अप टू इंश्योर कंप्लीशन एंड द रिमूवल ऑफ अ पोटेंशियल प्रोडक्ट कंटेमिनेशन रिस्क। ये जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं इनको इमिडिएटली फॉलो करना चाहिए ताकि कोई भी कंटेमिनेशन के रिस्क को अवॉइड किया जा सके। कंसिडरेशन शुड बी गिवेन टू द यूज ऑफ इक्विपमेंट और आइटम्स दैट आर मेड विद ब्रिटल मटेरियल्स। ऐसे इक्विपमेंट्स को कंसिडरेशन दी जानी चाहिए, जैसे कि जो ब्रिटल मटेरियल से यूज बनी हुई चीज़ें हैं उनका कम से कम यूज़ हो, प्रेजेंट इन ऑफिसेस, क्वालिटी कंट्रोल वर्क स्टेशंस और रेस्ट रूम्स दैट ओपन डायरेक्टली इनटू स्टोरेज एंड प्रोडक्शन एरियाज। ऐसे ऑफिसेस जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन एरिया में खुलते हैं, या ऐसे रेस्ट रूम या क्वालिटी कंट्रोल वर्क स्टेशंस जो कि डायरेक्टली कह सकते हैं कि प्रोडक्शन यूनिट में खुलते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा ही सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है और वहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रख के काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है नाइफ, सीजर्स और ब्लेड प्रोसीजर्स। नाइफ, सीजर्स एंड ब्लेड्स आर जनरली यूज्ड फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। जो छुरी है, कैंची है, ब्लेड है, इनका यूज़ किन किन कामों के लिए हो सकता है? ओपनिंग आउटर पैकेजिंग, किसी पैकेजिंग को खोलने के लिए, कटिंग थ्रू श्रिंक रैप एंड कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड वगैरह को कट करने के लिए,
कटिंग, पैकेजिंग, फेस्टनिंग, पैकेजिंग को कट करने के लिए, एज वेल एज फूड प्रिपरेशन में भी इनका यूज़ हो सकता है. सो फूड कॉन्टैक्ट कटिंग इक्विपमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड मेड ऑफ फूड ग्रेड मटेरियल. जो ऐसे कटिंग मटेरियल हैं जो कि फूड के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो वो फूड ग्रेड मटेरियल के बने हुए होने चाहिए एंड केप्ट सेपरेट फ्रॉम इक्विपमेंट. जिस इक्विपमेंट में प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ से उसको सेपरेट रखना चाहिए एंड यूज्ड फॉर अदर एक्टिविटीज़, और उनको किन्हीं और एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, डेजिग्नेटेड कलर्स फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट्स सच एज गुड इनवर्ड्स, प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल. स्पेशल प्रोटेक्टेड ब्लेड्स आर आइडियल. कुछ प्रोटेक्टेड ब्लेड्स होते हैं वो जो कि आइडियल होते हैं फ्रूट प्रोडक्शन यूनिट के लिए एंड विच आर डिज़ाइंड फॉर सेफ्टी एंड डू नॉट हैव एंड एक्सपोज्ड ब्लेड. ये सेफ्टी से डिज़ाइन किए हुए होते हैं और इनमें कोई भी एक्सपोज्ड ब्लेड नहीं होता. नाइफ्स शुड बी कंट्रोल्ड बाई सुटेबल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स. इनका भी कंट्रोल एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर से होना चाहिए, including the signing out of the equipment to an individual and the signing back in again at the end of the production shift or the equipment's return. कि कब उसका यूज़ किया गया, कब उसको लिया गया, कब उसको रिटर्न किया गया, इन सारी चीज़ों का भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए. अब आता है रिस्क असेसमेंट. The risk of contamination from premises and equipment has been explored in depth in this chapter. जो contamination के risk हैं premises और equipments में, उन सबको proper हम लोगों ने पढ़ लिया है. The need for appropriate risk assessment and mitigation processes has also been outlined. ये भी बताया गया है कि किस तरीके से risk assessment और mitigation processes की requirement है. This risk assessment approach must be inclusive and utilize experience across the management team and staff within the manufacturing operations. जो risk assessment होती है ये inclusive होनी चाहिए और जो management team है as well as जो staff है उनके experience के base पे भी, क्योंकि experience एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारी चीज़ों को handle कर सकती है, इसीलिए उनके एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखते हुए ही रिस्क का असेसमेंट किया जाना चाहिए. रिस्क असेसमेंट एट अ फॉर्मल लेवल इज इम्पॉर्टेंट, बट रिस्क असेसमेंट बाय इंडिविजुअल एज पार्ट ऑफ रूटीन वर्क टास्क ऑन अ डे टू डे बेसिस इज आल्सो एसेंशियल एज फॉर्मल प्रोसेस कैन नेवर बी एग्जॉस्टिव इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द हजार्ड that can occur and the remedial action that the needs to be taken to prevent contamination should be event arise. formal level पे risk assessment important होता है, लेकिन जो part होते हैं risk assessment team का, उन individual के द्वारा day to day basis पे जो risk assessment होता है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि formal process identify नहीं कर पाएंगी कि कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे हजार्ड है, कैसे उसको काउंटर मेजर्स टेक करना है. इन सब चीज़ों को फॉर्मल रिस्क असेसमेंट से नहीं किया जा सकता. इसके लिए ज़रूरी होता है कि इंडिविजुअल रिस्क असेसमेंट टीम हो और वो रिस्क का प्रॉपर असेसमेंट करे और प्रिवेंटिव एक्शंस जो भी लेने हैं उनको ले और कंटेमिनेशन को जो जो जहाँ जिस जिस पॉइंट पर अराइज हो सकता है उसको रोकने की या एटलीस्ट मिनिमाइज करने की कोशिश करे. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से कि आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल. थैंक यू वेरी मच एवरी वन.